सो कैसे हो गाइस, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हॉल के अंदर एजेंट ऑफ स्मैश का सीजन वन। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, ये है इसका एपिसोड नंबर वन। तो स्टार्टिंग करते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ओरिक जेन को देखते हैं जो ब्रूस बैनर का दोस्त होता है, और वो हल्क की पुरानी इमेजेस देख रहा है जहाँ पे हल्क लड़ रहा होता है यूएस आर्मी से, क्योंकि यूएस आर्मी हल्क को एक खतरा मानते थे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि रिक जाता है हल्क के पास जहाँ हल्क वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब रिक हल्क को बोलता है कि मैं ऐसा हल्क बनाना चाहता हूँ जिससे दुनिया अच्छा माने। वहीं पे भी अलार्म बजता है और पता चलता है कि पास की सिटी में ही कुछ अटैक हुआ है जिसके लिए हल्क चला था। तो वहाँ पे हल्क को लोग बहुत अच्छा मानते थे, जहाँ पे एक पोर्टल खुला होता है जो गामा एनर्जी से भरा हुआ होता है जिसे रोकने के लिए हल्क वहाँ आया होता है। हल्क वहाँ एक बच्ची को बचाता है जो उस गामा एनर्जी के पोर्टल में जा रही होती है। तभी वहाँ पर यूएस आर्मी आ जाती है और वो हल्क को खतरा समझ के उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी हरिक आ जाता है और वह हल्क को वो बचा लेता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यूएस आर्मी भी अभी हल्क पर अटैक नहीं करती और वो बच्ची उन्हें दे देता है हल्क। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हल्क उस पोर्टल की तरफ जा रहा है और पोर्टल को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ देखते हैं एनिहिलस को जो हल्क को चेतावनी देता है कि अब मैं अर्थ पे आके उसे कंकर करूँगा। और एक साथ वो हल्क को ये धमकी देता है कि मैं जो अर्थ पे आऊँगा, और उस सरकार को भेज देता है हल्क से लड़ने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं हल्क वर्सेस सरकार की एक फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरकार के पीछे एक चिप लगी होती है जिससे एनिहिलस उसे कंट्रोल कर पा रहा होता है। यहाँ पे हल्क वर्सेस सरकार चल रहा होता है जहाँ पे सरकार हल्क को पूरी तरह से पीट रहा वाला होता है, और यहाँ पे वो हल्क को पूरी तरह से हरा दे रहा होता है। लेकिन तो यहाँ पे रेड हल्क आ जाता है और उस पर वो मिसाइल छोड़ देता है। रेड हल्क ऑफिशियली और कौन ही थंडरबोल्ट रोज ही था। यहाँ पे रेड हल्क और हल्क बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पे वो अब सरकार को एक बहुत बड़े पैनल में बंद कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि अब हल्क और रेड हल्क वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि सरकार के पीछे एक चिप लगी है। तभी सरकार भी उठ जाता है और उस कैनल को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है, और हल्क का एक गन लेकर चला जाता है जिसमें गामा एनर्जी होती है। यहाँ पे अब हल्क भी उनके पीछे जाने होते हैं, क्योंकि अब जो की सरकार होता है वो उस कैनल की मदद से पोर्टल को और बड़ा कर रख के एनिहिलस की आर्मी को अर्थ पे लाना चाहता था। इसलिए वो जब रेड हल्क और हल्क वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी सरकार ने उस पोर्टल को बहुत ज़्यादा पावरफुल के एनिहिलस की आर्मी को बाहर ले आए थे, जहाँ पे वो लोग अब एनिहिलस की आर्मी से लड़ रहे होते जो बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे वो सरकार से भी वो लोग सब मिलके लड़ रहे होते, वो अब उस पोर्टल को और बड़ा बना रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे रिक आ जाता है और उस मशीन को मतलब कि अपने कार से धक्का दे देता है, जिसके कारण वो मशीन ओवरलोड हो जाती है और वो जो मशीन होती है वो फट जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हल्क होता है वो रिक को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पे इतना सारा गामा एनर्जी फैल गया था कि जो एनिहिलस की आर्मी के बहुत सारे लोग मरे जाते हैं। एनिहिलस अब सरकार को बोलता है कि तुम रेड हल्क को मेरे पास ले आओ। ऐसा सुनकर अब सरकार भी रेड हल्क को पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। ये भी हम लोग देखते हैं कि हल्क रिक को तो बचा लेता, लेकिन रिक के अंदर भी बहुत सारी गामा एनर्जी चली गई थी, जिस कारण भी उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस आ चुके थे, और हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। तो इसके साथ ये एपिसोड होता है, और गाइस सब्सक्राइब टू चैनल जाते जाते।